नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो खबर निकल के आई है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स यानी कि पुराने ड्राइविंग लाइसेंस धारक, उसी के साथ साथ अगर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और ये ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी अगर आपका 1 साल से ज़्यादा ओल्ड हो चुका है अभी, यानी कि आप उस जो ग्रेस पीरियड होता है ड्राइविंग लाइसेंस का उससे क्राइटेरिया को पास कर चुके हैं, तो आप लोग के लिए काफ़ी एक बड़ी खबर पर निकल के आई है। इस वीडियो को जब आप तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजबल जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप शेयर जरूर करिएगा सभी लोगों तक और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट जगह से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुँचती रहें। चलिए हम आपको अवगत करा देते हैं कि क्या यहाँ पर नई न्यूज निकल के आई है। ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स के लिए, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस धारक हैं, अगर उनका ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पुराना है और वो रोड पर गाड़ियां लेकर निकलते हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आरसी भी है, इंश्योरेंस भी है, तो सभी चीज़ें अगर हैं और वहाँ पर वो रेड लाइट को क्रॉस करते हैं यानी कि रेड लाइट जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनको तोड़ते हैं नियमों को, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 बार का चांस दिया जाएगा। साल भर में 3 दफ़ा आपका चालान जो कटेगा तो उसको आप पेनाल्टी वगैरह दे सकते हैं, चालान भर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को आप लोग, चालान भर सकते हैं, पेनाल्टी वगैरह सब सब चुका सकते हैं साल भर में 3 बार। लेकिन अगर 3 बार से ज़्यादा आपका चालान वहाँ पर कट चुका है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका है और वो भी 1 साल पुराना है, तो इस बार पुराने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को उनके ड्राइविंग लाइसेंस से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ, डीएल धारकों के लिए सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएंगे। तो सस्पेंशन जो है ये तो ठीक है, आप उसको 3 महीने के बाद फिर से वो सस्पेंशन जो है वो बहाल हो जाएगा, बट इसमें एक ट्रिकी चीज़ को ऐड कर दिया गया है। ये ट्रिकी चीज़ क्या है? ये ट्रिकी चीज़ ये है कि अब आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी, इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ आपका सस्पेंड किया जाता है तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको वहाँ पर 3 महीने का रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा रोड सेफ्टी का। समझ पा रहे हैं आप? 3 महीने का रोड सेफ्टी कोर्स आप करेंगे जो कि रिफ्रेशर कोर्स के नाम से जाना जाता है। तो इस रिफ्रेशर कोर्स को जब आप करेंगे 3 महीने तक, रोड सेफ्टी से रिलेटेड होगा, यानी कि आप जो गलतियां करते हैं जिस वजह से आपका आरसी या डीएल सस्पेंड हुआ है, तो आप लोगों को वो गलतियों के लिए रिगार्डिंग में वो वीडियोस दिखाई जाएंगी, कोर्स पूरा करवाया जाएगा और आपको वहाँ पर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो इस कोर्स को जब आप कंप्लीट करोगे तो फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आप तक पहुँचाया जाएगा। यानी कि आप मान के चलिए अगर 3 महीने का आपका सस्पेंशन हुआ है डीएल आरसी वगैरह का, तो आप मान लीजिए कि वो 6 महीने तक जाएगा, क्योंकि अगर आप 3 महीने तक जब रिफ्रेशर कोर्स पूरा करेंगे तो 6 मंथ तो हो ही जाएंगे। तो 3 और 3 6 महीने जब आप कोर्स करेंगे तो जो ड्यूरेशन हो जाएगा वो 6 मंथ का, तो 6 मंथ के बाद में आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी आपको दोबारा से मिल पाएगा। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बड़ी खबर निकल के आई थी, इसके ऊपर मैंने आपको जानकारी दी। तो यहाँ पर मैं आपको कंक्लूजन ये बता दूँ कि अब आपको बहुत ज़्यादा सजग तरीके से ड्राइविंग करनी है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल के पुराना है तो आपको बहुत सतर्क रहना है, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पुराना नहीं है तो आप वहाँ पर ड्राइविंग जरूर अच्छे से करिए, बट आपको ये कोर्स नहीं करना पड़ेगा। तो 1 साल अगर आपका पुराना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी है तो ये नियम आपके ऊपर लागू होता है, तो इसको आपको बचा के रखना है। अपने आप को अच्छे से रोड सेफ्टी का रूल्स का रेगुलेशन का ख्याल रख के ही रोड पर ड्राइविंग करें। तो ये थी बहुत बड़ी खबर पुराने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए। और अगर आप वहाँ पर कोई बातचीत करना चाहते, सुझाव देना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनली बातचीत कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेक्निकल आलोक जी इंस्टाग्राम हैंडल है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइडेड है। टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट्स मिलती है आपके आपको पहुँचते रहते हैं। और आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।